पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल की नर्स ने पति पर अपने ऊपर एसिड फेंकने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही आरोपी पति और महिला के देवर को हिरासत में ले लिया है। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में पार्कर कॉलेज के पास मिशन कंपाउंड निवासी रिवर मैथ्यू कांट रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स है। रिवर मैथ्यूज ने सिविल लाइन से पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उनकी शादी 12 नवंबर 2021 को एनिस कुमार निवासी फकीरपुरा सिविल लाइन्स के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। रिवर मैथ्यूज ने सिविल लाइन्स से पुलिस को दी शिकायत में कहा कि इससे पहले परेशान होकर उन्होंने 18 नवंबर 2022 को अपने ससुराल वालों के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में एक केस दर्ज करा दिया था। रिवर मैथ्यूज का आरोप है कि दो दिन पहले पति एनिस कुमार उन्हें मिला और गिले शिकवे भुलाकर साथ रहने की पेशकश की। उन्होंने पति की बात मान ली और साथ रहने लगी, लेकिन इसके बाद पति ने सिविल लाइन्स थाने में केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। नर्स का आरोप है कि उन्होंने केस वापस लेने से इनकार कर दिया, जिससे पति खफा हो गया था। नर्स का आरोप है कि शाम करीब 7 बजे जब वो अपनी ड्यूटी से लौटी तो पति ने फिर से केस वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इस दौरान बात बढ़ती गई और पति एनिस कुमार ने अपने छोटे भाई आशीष के साथ मिलकर एसिड से भरी केन उड़ेल दी। नर्स का कहना है कि वो तुरंत पीछे हट गईं, लेकिन इतने में ही शरीर के कई हिस्से उनके जल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद क्या हुआ, पुलिस कंप्लेन की गई आपके द्वारा? उसके बाद हालांकि पुलिस ने हम लोगों को पकड़ के लिया है, लेकिन उनके रिकॉर्ड में ना ये शो किया है और ना ही किसी तरह की कोई कोर्ट में पेश की गई है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, बार बार आ जाती है, मुझसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन कोई अच्छी कार्रवाई का डिपार्टमेंट नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ जेल प्रॉपर एक्शन लिया जाए, ताकि कोई फ्यूचर कभी कोई ऐसे, क्योंकि मुझे भी उनसे डर है कि वो आज उन्होंने ये हरकत की तो कल मुझे जाने। तो इससे पहले भी इस दौरान कोई बातचीत हुई किसी से, या किसी ने कुछ कहा है आपसे? हाँ, मेरे ससुर का कॉल आया था, मेरे पास सुबह मॉर्निंग है, लेकिन मैंने उनकी कॉल पिक की, मैंने उस कॉल पड़ी है। मुझे नहीं पता है कि हम लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, केस अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं। फिलहाल क्या चाह रहे हैं आप? फिलहाल यही चाहते हैं कि पुलिस कोर्ट लेकर जाए, बड़ी सजा मिली। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।